नमोस्तु गुरुदेव, धार्मिक क्रियाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है? धार्मिक क्रियाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व? मैं आपसे पूछता हूँ, किसी गाड़ी को चलाने में मूल भूमिका किसकी होती है? बोलो। डीजल की, ड्राइवर की। गलत। इंजीनियर हो आप भी? जी महाराज जी। तो बताओ, गाड़ी को चलाने में मूल भूमिका किसकी होती? पहिए की। इंजन की। किसके? इंजन की। इंजन गाड़ी को चलाता है, लेकिन इंजन को गति देने के लिए फ्यूल होता है। और इंजन हो, फ्यूल हो, फिर भी अगर पहिया नहीं हो तो गाड़ी नहीं चलती। और पहिया भी हो, उसमें हवा ना हो तो गाड़ी नहीं चलती। तो आपके सवाल का उत्तर एक पंक्ति में मैं इतना ही देना चाहता हूं, जीवन में धार्मिक क्रियाओं का वही स्थान है जो स्थान किसी गाड़ी के चलने में उसके पहियों की हवा का। हवा होगी तो गाड़ी चलेगी, हवा नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। अपनी धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए व्यक्ति को सतत गतिमान होने की जरूरत है, और वह हवा हमारे मन में भरती है धार्मिक क्रियाओं के बल पर।